सो गाइस, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है? या जब आप TWRP रिकवरी में रिकवरी रोम को फ्लैश कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है कि zip travel compatible error something something एंड आपकी जो रिकवरी रोम है वो फ्लैश नहीं हो पा रही है? सो अगर ये दोनों आपके प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ पर मैं एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिससे ये सारे एरर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विजय बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है विद इन अ मिनट और टू। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट तो यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है, बट जब भी मैं यहाँ सिस्टम अपडेट में जाता हूँ एंड यहाँ पर आता है कांट डाउनलोड। अगर मैं ट्राई अगेन करता हूँ, अगेन यहाँ पर आएगा ट्राई अगेन, ये डाउनलोड नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 645 MB का सिस्टम अपडेट मिला है, बट स्टिल इसे मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरी रिकवरी रोम को डाउनलोड करना है। इस MIUI की वेबसाइट में जाके यहाँ पर अपने डिवाइस का नाम डालना है। सो यहाँ पर मैं Redmi Note 7 Pro यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए जो MIUI रिकवरी रोम है वो डाउनलोड कर लूंगा, जो भी जो नया वर्जन रिलीज हुआ है उस पे बेस। सो नाउ रिकवरी रोम को डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है MI Explorer। सो यहाँ पर ये जो ये ऐप देख रहे हैं आप, ये बेसिकली आपको ये ऐप डाउनलोड करना है एंड इस ऐप की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके उस ऐप को डाउनलोड करें एंड डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मली उसे इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिकवरी रोम है, नया अपडेट आया उसकी मैंने रिकवरी रोम डाउनलोड कर ली है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये जो एक्सप्लोरर डाउनलोड किया है उसे इंस्टॉल करना है एंड उसे ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद आपको वो फाइल को सेलेक्ट करना है जो फाइल आपने डाउनलोड की है, मतलब कि जो रिकवरी रोम की फाइल आपने डाउनलोड की है। सो यहाँ पर जो मेरे डिवाइस के लिए रिकवरी रोम है, सो आप देख सकते हैं कि फाइल ये है एंड ये 1.72 GB की है। सो आपको सिंपली इसमें एक बार क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सो यहाँ पर जो compatibility.zip नाम की एक फाइल होगी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये, उसमें आपको टैप करके रखना है एंड इस फाइल को आपको डिलीट कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट का बटन है, डिलीट इसे मैं कर देता हूँ कन्फर्म। सो यहाँ पर फाइल ऑपरेशन कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा ये, सो आपको जब तक ये पूरा प्रोसेस हो रहा है थोड़ा वेट करना है, कुछ बीच में यहाँ पर कैंसिल वगैरह अबॉर्ट नहीं करना है। सो नाउ जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेशन कंप्लीटेड एंड यहाँ पर डिलीट हो जाएगी वो फाइल। सो नाउ अब आप उस फाइल को फ्लैश करेंगे तो वो नॉर्मली फ्लैश हो जाएगी आपके TWRP रिकवरी से। एंड सो नाउ TWRP रिकवरी में आने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल में क्लिक करना है एंड आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो आपने जिसमें से compatibility.zip वाली फाइल को डिलीट किया है, आपको नॉर्मली उस फाइल को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल जो है नॉर्मली फ्लैश हो रही है। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का एरर कोई नहीं आया, ट्रिपल कंपैटिबिलिटी एरर जो हमें पहले मिल रहा था देखने को। तो गाइज ये है एक क्विक फिक्स आपको जो भी OT अपडेट मिलते हैं उसको अपडेट करने का। मे बी आने वाले टाइम में ये जो TWRP के अंदर बग है उसे सुधार देंगे, सो मे बी आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, बट फॉर नाउ अगर आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए तो ये बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा आप सभी के लिए। सो गाइज ये जैसी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपको सिंपली नॉर्मली रिबूट करना है। अपडेट के बाद फर्स्ट बूट होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है फोन, सो आपको यहां पर पेशेंट रहना, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं प्रेस करने हैं। सो गाइज फोन जो है नॉर्मली बूट अप हो चुका है एंड यहां पर अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में एंड अबाउट फोन में जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोन है वो अपडेट हो चुका है अब। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर भी मैं ज़्यादा रेगुलरली एक्टिव रहता हूं, सो आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।